दोस्तों अभी सब्सक्राइब कीजिए ट्रेडिशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, अगर आप एक जियो यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जरूर देखना चाहिए ये वीडियो, क्योंकि कई बार अगर आप जियो का सिम यूज कर रहे हैं तो नेटवर्क का प्रॉब्लम आपको होता ही होगा, और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आप ठीक से बात नहीं कर पाते होंगे अपने फ्रेंड से या फिर किसी भी रिलेटिव से। तो जब भी आप बात करते हैं तो आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, आवाज की क्लियरिटी सही से नहीं आती है। तो आप चाहें तो अपने जियो नंबर से ट्रांसफर कर सकते हैं अपने कॉल को किसी और नंबर पर, उसके बाद में आपका नेटवर्क सही है अगर, तो यहाँ पर आपका आवाज जो है वो एकदम सही से आएगा, आराम से आप बात कर सकते हैं। और कई सारे मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा था कि आप जियो के फोन से किस तरह से किसी अदर नंबर पर ट्रांसफर कर सकते हो अपने सभी कॉल्स को, तो उस बारे में आज का ये वीडियो है। वीडियो को जरूर से गाइस लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर मिलती है इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको अपने डायलर पर जाना होता है। डायलर पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको टाइप करना है *401*, उसके बाद में जिस नंबर पे आप अपने कॉल्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस नंबर को आपको बस यहाँ पे सेलेक्ट टाइप कर लेना है। तो मैं वैसे ही इस नंबर को टाइप कर लेता हूँ जिस नंबर पे मैं चाहता हूँ कि मेरा सभी कॉल्स आए। उसके बाद में आपको अपने जियो नंबर से इस नंबर पे कॉल करना होता है। जैसे ही आप अपने जियो नंबर से इस नंबर पर कॉल करोगे तो आपको वहाँ पर एक ऑडियो मैसेज जो है वो सुनाई देगा, और उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका जो सभी कॉल है वो आपके इस नंबर पर ट्रांसफ़र जो है वो हो चुका है, यानी कि कॉल फॉरवर्डिंग फैसिलिटी जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन रुको रुको, एक बार आप कॉल फॉरवर्डिंग फैसिलिटी एक्टिवेट तो करवा लोगे, एक्टिवेट करवाने के बाद जो भी कॉल्स हैं वो डायरेक्टली आपके उस नंबर पर जाएंगे जिस नंबर पर आपने सेलेक्ट किया है। बट अगर आप चाहते हो कि इस फैसिलिटी को डीएक्टिवेट करना कभी भी, तो आपको सिंपली बस करना क्या होता है, *402 पे आपको जाकर के कॉल कर देना है। वापस से आपको अपने जियो नंबर से *402 पे जाकर के आप कॉल करोगे, कॉल करने के बाद में आपका जो कॉल फॉरवर्डिंग फैसिलिटी है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, और डीएक्टिवेट होने के बाद में वापस से आपके सभी कॉल जो हैं वो जियो नंबर पे ही आएंगे। मैंने इस ट्रिक को ट्राई भी किया है, बहुत अच्छे से काम करता है, आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनको इन ट्रिक की ज़रूरत हो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, और मिलते हैं किसी नए और लेटेस्ट ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।